हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मोस्ट वेलकम अगेन। आज हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, हैड नो वर्ब ऑन। हैड नो वर्ब ऑन होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रेजेंट सिनेरियोस का पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में हमने क्या किया था, जिसमें हमने पढ़ा था हैज हैव नो वर्ब ऑन सीरीज। हैज हैव नो वर्ब ऑन के अंदर हमने समझा था कि हमने कोई भी कपड़ा पहना है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ कपड़े यानी हैज ऑन और हैड ऑन जो सीरीज है, इस सीरीज का एक्चुअल में इंटेंशन होता है कि कोई भी कपड़े से बनी वस्तु, कोई भी कपड़े से बनी वस्तु के पहनने के लिए हम हैज ऑन हैड ऑन का यूज करते हैं। आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली फॉर द फैब्रिक एंड क्लॉथ्स। जो हम कपड़ा पहने हैं, उस कपड़े पहनने के लिए हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैंने नेकलेस पहना है, तो नेकलेस पहनने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कुछ जूते पहने हैं, तो जूते पहनने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सर उस चीज की जिसमें हमने सिर्फ कपड़े से बनी वस्तु की बात हो रही है और कपड़े से बनी चीज हम यहाँ पर पहन रहे हैं। ठीक है, तो उसने शर्ट पहना है, उसने कोट पहना है, उसने जैकेट पहना है, व्हाटएवर जो भी उसने पहना है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, या पहनेगा या पहना था या पहना होगा, हम उन तीनों कंडीशंस की यहाँ पर बात करेंगे। तो हम प्रेजेंट सिनेरियो को समझ चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिनेरियो। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट। अक्सर जनरल कॉन्वर्सेशन में इस तरीके की बातचीत हम करते हैं और सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं कि पता है मेरा जो दोस्त था, उसने जब शादी की थी तो उसने व्हाइट कोट पहना था। कब पहना था? व्हाइट कोट पहना था। कब पहना था? शादी में पहना था। तो हम अक्सर ऐसी बातचीत करते हैं। यार अपन पता है, हम जब पिकनिक पर चले थे तो मैंने रेड कलर का जींस पहना था और व्हाइट कलर का शर्ट पहना था, बड़ा खतरनाक लग रहा था, बड़ा रापचिक लग रहा था। यानी काइंड ऑफ वरा यार, इट वॉज ऑसम, क्या लग रहा था यार तूने व्हाइट शर्ट पहना था। तो हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने इस तरह का शर्ट पहना था, मैंने इस तरह के टी शर्ट पहना था, मैंने ये पहना था। तो उस कंडीशन में हम सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है, समझिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। हैड नो वर्ब ऑन सेंटेंस इसका डेफिनेशन, कोई भी कपड़ा हमने पहना था। कब पहना था? 2 महीने पहना था, 1 महीने पहले पहना था, या 1 हफ्ते पहले, या 1 दिन पहले, या 2 सेकंड पहले। पास्ट का कोई सिनेरियो नहीं होता है। हम कभी भी किसी भी कंडीशन की बात करें, हो सकता है कि हमने बरसों पहले पहना था, या हो सकता है कि हम कुछ सेकंड पहले ही हमने पहना था। बट अगर हमने पास्ट में पहना था तो हम यहां पर हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने कल व्हाइट पैंट पहनी थी, तो हम यहां पर हैड का इस्तेमाल करेंगे, वो भले मैंने कल पहनी थी। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूला समझते हैं। सब हम फॉर्मूले का आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? आई यू वी दे प्लोरल, ही शी इट सिंगुलर, सभी के साथ में हैड लग जाएगा और इसके साथ नो वर्ब एंड ऑन एज इट इज लग जाएगा। जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसमें हैड के साथ में नॉट लग जाएगा, तो हैड नॉट को हम हैडेंट बोलेंगे। अब यहां पर हम एक सेंटेंस है आपके सामने, उसने ब्लैक शर्ट पहना था। इसके पहले हमने बात करी थी उसने ब्लैक शर्ट पहना है, अब हम बोल रहे हैं कि उसने ब्लैक शर्ट पहना था, तो यहां पर पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के लिए हम सेंटेंस को क्या लगाएंगे? सेंटेंस बनेगा, पहले सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। सेंटेंस बनेगा, उसने ब्लैक शर्ट पहना था। सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड ब्लैक शर्ट ऑन, ही हैड ब्लैक शर्ट ऑन। जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही हैडंट ब्लैक शर्ट ऑन। क्या बोलना है? ही हैडंट ब्लैक शर्ट ऑन। क्वेश्चन हो जाएगा, हैड ही ब्लैक शर्ट ऑन? जो हैड है पहले सेंटेंस में, वो हैड उठकर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यानी ही शी इट के पहले आ जाएगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैड ही ब्लैक शर्ट ऑन, देन क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बना रहे हैं, यानी क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। क्या नहीं सेंटेंस हो जाएगा? हैड ही नॉट ब्लैक शर्ट ऑन। हम अक्सर बोलते हैं क्या उसने शर्ट नहीं पहना था। ठीक है, तो इसी तरीके से वाई प्लस क्वेश्चन, वाई प्लस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? वाई हैड ही ब्लैक शर्ट ऑन एंड हाउ हैड ही ब्लैक शर्ट ऑन। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर एक बार वापस से हम समझेंगे सेंटेंसेस का ड्रिलिंग आप मेरे साथ करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? नाउ यू विल हैव टू स्पीक विथ मी, आपको मेरे साथ में ड्रिलिंग करनी है। उसने ब्लैक शर्ट पहना था, सेंटेंस से ही हैड ब्लैक शर्ट ऑन, He hadn't black shirt on, had he black shirt on, had he not black shirt on, why had he black shirt on,
हाउ हैड ही ब्लैक शर्ट ऑन। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस है, सेंटेंस है राहुल ने कुर्ता पहना था। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राहुल हैड कुर्ता ऑन, नहीं राहुल ने कुर्ता नहीं पहना था। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राहुल हैडंट कुर्ता ऑन। क्वेश्चन, क्या राहुल ने कुर्ता पहना था, हैड राहुल कुर्ता ऑन, क्या राहुल ने कुर्ता नहीं पहना था, हैड राहुल नॉट कुर्ता ऑन। देन वाई प्लस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई हैड राहुल कुर्ता ऑन। एंड हाउ प्लस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ हैड राहुल कुर्ता ऑन। क्लियर आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। इसी तरीके की प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।